तो इस वीडियो तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अपना एयरफोन था माइक यूज़ किया था, जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बुरी रिकॉर्ड हुई है और काफ़ी लो है। तो मैंने वॉल्यूम तो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की है, पर आई थिंक इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, तो सॉरी उसके लिए। पर अगली वीडियो में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा फिर से। ये इस माइक की जगह मैं कोई और माइक यूज़ करूँगा, उससे रिकॉर्ड करूँगा। अभी के लिए यही है, सॉरी। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से पबजी मोबाइल खेलने वाले हैं, और आज मैंने एग्जाम्पल डाउनलोड कर लिया है। तो पबजी मोबाइल की नई अपडेट आई थी, जिसमें साइज सिर्फ 600 MB और 600 RAM भी जरूरत है 2 GB से। तो देखते हैं लैग कम हुआ या नहीं। तो हमने कुछ मैच खेले थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा था, तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल खेलते प्लस एक मैच। तो आई थिंक ग्राफिक्स तो वही हैं और FPS भी उतने ही मिल रहे हैं, तो लैग तो होएगा, पर देख लेते हैं अभी। तो लोडिंग हो रही है और मैं 1 साल बाद ये गेम खेल रहा हूँ, तो मुझे तो कंट्रोल्स भी हैं आई थिंक याद सही से। तो सिर्फ जो क्विक मैच खेले थे सिर्फ उन्हीं के लिए क्विक सेट किए थे जल्दी से कंट्रोल्स अपने। तो आई थिंक ये तो मैं काफ़ी आसानी से हार जाऊंगा, आसानी से ही मारा जाऊंगा। तो अपने टीममेट्स के साथ ही रहूंगा, ताकि वो मुझे जितवा सकें, क्योंकि मैं खुद तो जीत नहीं सकता हूँ। तो आई थिंक डे नाइट मैच लग गया। तो चलो स्कूल चलते हैं, वहाँ पे काफी बंदे आते हैं, तो वहीं पे लैंड होते हैं। सागर दुनिया में हम राज बदल जाते हैं। तो ये तो पता नहीं क्यों बोलने वाले थे, तो मैंने इनको म्यूट कर दिया है। तो दो बंदे हमारी टीम पे यहीं पर उतर रहे हैं, तो हम तो स्कूल जाएंगे वहीं पर जहाँ पे लैंड होंगे। स्कूल काफ़ी बंदे आने वाले हैं, तो 1 साल बाद पबजी खेल रहा हूँ, तो मुझे हॉट ड्रॉप तो नहीं करना चाहिए था। और देखते हैं जब मैं बच सकता हूँ, ज़्यादा चांस यही है कि नहीं बचने वाला, पर ट्राई करते हैं तो बच जाएँ। तो ग्राफिक्स रेंडर ही नहीं हुए हैं अभी तक तो। अरे नहीं, हमारी टीम भी यहीं पर उतरी है। तो अच्छा, मुझे वैसे गलती से लगा था कि वहाँ पर तो कुछ रेंडर ही हुआ, तो हमें तो सारी चीज़ें रेंडर होने का भी इंतज़ार करना पड़ता। और मैंने दीवार को बाइट से उठा लिया, तो मेरे पास पिस्टल तो है, आई थिंक पिस्टल लेकर छुप जाते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई आया तो हम उसे मार देंगे, तो जैसे ग्राफिक्स हैं क्या ही मार लेंगे हम। तो अगर ग्राफिक्स रेंडर ना हो तो हम मर जाएंगे यहीं पर ही। तो लेट्स होप जल्दी से ग्राफिक्स रेंडर हो जाए। तो बिल्डिंग रेंडर हो गई है पर ज़मीन अभी रेंडर नहीं हुई, तो चलो थोड़ा से ज़्यादा लूट कर लेते हैं उसे इसे। तो शॉटगन तो मिल रही है पर एमओ नहीं मिला। यहाँ पे लेवल 2 का हेलमेट है, तो लैब तो देख सकते हो कितना ज़्यादा हो रहा है। तो पिक्चर ही निकाल लेते हैं, अगर कोई याद है तो मार देंगे। तो आसपास काफी फायरिंग हो रही है, तो ये तो क्रॉस बोल गया सिर्फ।
अरे यार वैसे तो सरप्राइज कर लूंगा, वैसे थोड़ी ना मार सकता हूँ किसी को। तो इंश्योर है हम से कम से कम 2 MO तो मिलेंगे। क्लोज रेंज में आता है तो शायद उसे मार लूँ मैं। एक साल से ये टीम नहीं खेली तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं मिला था, और ऊपर से शॉर्ट लाइन सिर्फ मिल रही है। ऐसे मेरी टीम है तो हो जाए, मैं नॉट भी हो जाए तो शायद बचा लेंगे। आई थिंक मेरे टीममेट्स ने सब लूट लिया है, तो सिर्फ शॉर्ट रन ही छोड़ दिए। और एक्सपेस मिल गया तो यही ले लेते हैं। अरे जंप नहीं कर सकता मैं तो, ये यहाँ पर पता नहीं किस तरह से टीपी भी ले रहा है, तो इन्हीं के साथ चलते हैं। दूध तो मेरे पास तो एक ही है नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट बनना और एक ऐसे ऐसे। अरे तो आई थिंक ये जहाँ भी जाए हमें फील पर ही जाना पड़ेगा। अरे इसने आप सीधा यहाँ पे टप्पा मार दिया। इन्होंने पुश कर दिया। तो सारी लूट इन्होंने ले लिया, मुझे फिर से कुछ नहीं मिला। इनके FPS ज्यादा आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी से लूट उठा सकते हैं। तो मैं तो शॉर्ट बन लेते निकलता अंदर, तो शॉर्ट बन से ट्राई कर लेता तो कुछ नहीं था कर सकता। तो एमओ तो है नहीं है तो शॉर्ट गन से मैं कर भी तो ही नहीं सकता कुछ, तो देखते हैं अगर एमओ मिल गया तो ये सही बन हो जाएगी। UMP बन ले सकता था पर इसे रहने देते हैं अभी तो। अरे यार मुझे ना तो उठा दिया। सर्च फॉर व्हीकल्स। तो मुझे तो मार दिया है, तो मुझे तो समझ नहीं आई है तो मैं तो 1 साल बाद खेल रहा था ये गेम, तो मुझे तो बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं थी, पर समझ नहीं आई गेम में हो क्या रहा था। मैं तो अपना सिर्फ लूट पा रहा था, और अगर पता लग भी जाता तो मैं स्टेज से तैयारी कर लेता। तो यहाँ पर तो पहली दिन इतने ज़्यादा टाइम से बहुत खेलने के बाद तो हारना ही था, पर 0-0 पर हारे हैं तो